अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस से तर तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिशों को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने तगड़ा झटका दिया है। एनसीपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्र मंत्री शरद पवार ने कहा है कि तीसरा मोर्चा व्यवहारिक नहीं है, इसलिए यह क्रियान्वित नहीं हो पाएगा। पवार का यह बयान ऐसे समय पर आया जब पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एसडी देवगौड़ा ने जल्द से जल्द तीसरे मोर्चे के गठन की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा कि तीसरा मोर्चे के रूप में विभिन्न दलों का महागठबंधन अव्यवहारिक है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि उनके कई साथी चाहते हैं कि महागठबंधन बनाया जाए। साक्षात्कार के दौरान शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए किसी नाम के ऐलान से परहेज किया, लेकिन संकेत दिया है कि वह वर्ष 1977 में जैसे मोरारजी देसाई विजय दलों का चेहरा बने थे, उसी तरह से इस बार भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे खुद भी महागठबंधन या विकल्प के लिए बहुत भरोसा नहीं है। मैं निजी तौर पर महसूस करता हूं कि स्थिति वर्ष 1977 के जैसे ही है। आप देखिए, इंदिरा गांधी एक मजबूत इरादों वाली महिला थी। आपातकाल के बाद वह प्रधानमंत्री थी। उस समय कोई राजनीतिक दल नहीं था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता ने उनके खिलाफ वोट किया और कांग्रेस की हार हुई।